de komende dagen ook aanwezig zijn. En verder zijn mooie zang. Nogmaals een dagelijks applaus voor jullie. Zoals ik net aangaf, gaan we verder naar het tweede gedeelte, waar mijn Guruji hier ook speciaal gekomen is om ons ook verder, zelf mij ook, verder te verrijken op het pad van de spiritualiteit van religie van Dharma. Zoals ik net aangaf, dat we die paripaten en paripresteren, dat zien we je op het kentje Jnani Tattva Darshan. Krishna geeft in hoofdstuk 4 in de Bhagavata duidelijk aan dat wij, als wij de kennis willen ontvangen, moeten wij toevlucht zoeken tot een bona fide guru, een spirituele guru die niet alleen maar kennis kan overdragen, maar niet gyan, maar ook vigyan, gerealiseerde kennis. En deze gerealiseerde kennis is zeer van essentieel belang om niet alleen iets in theorie te leren, maar ook in de praktijk. En wanneer iemand die de praktijk ervaren heeft, wanneer de toepassing van de Bhagavad Gita door iemand werkelijk toegepast is in zijn leven, dan kan iemand het ook overdragen. Als u om 1000 euro vraagt en ik heb maar 500 euro, dan kan ik u dat geld ook niet geven, omdat ik dat niet heb. Maar iemand die dat wel heeft, kan het ook overdragen. Zo is het dat een spirituele leraar, met name ook mijn Guruji, al sinds jongs af de leer van de Bhagavad Gita in zijn leven toegepast heeft. En aan de hand van de realisatie, deze Tattva Darshan, deze realisatie, ook aan ieder geïnteresseerde kan overdragen. Daarom is het voor mij een eer ook om elke dag ook zoveel mogelijk van mijn Guruji te leren en verder de kennis tot mij te nemen, te praktiseren en uiteindelijk over te dragen. Dus nogmaals een dagelijks applaus voor mijn Guruji. Dank u wel voor het aanwezigen. एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद
अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गुरुवृंद गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हूँ। बहुत आनंद रहस्य की बात है, हम लोग सब एकत्रित हुए हैं गीता की सार उस संग्रह करने के लिए, क्योंकि जीवन की सार ही है भगवत भक्ति करना। दुर्लभो मानसो देहे देनां खनभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम्। श्रीमद् भागवत में श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित जी को इस कथा को सुना रहे। दुर्लभो मानसो देहे, यह मनुष्य शरीर अतीव दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं है, क्या बोल रहे हैं, सुदुर्लभ। दुर्लभो मानुष देहि देहिनां कनभंगुर, और ये मनुष्य शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। क्षणभंगुर किसके कहा जाता है, टेम्पोरल, किंतु इससे भी दुर्लभ वस्तु क्या, भगवत भक्त संगिनां, भगवत भगवान की जो भक्त जो है उनकी संग प्राप्ति करना ये भी अतीब दुर्लभ कहा गया। इनके दुर्लभ मान जो देना करोगे तथापि दुर्लभों ने वैकुंठ प्रिय, वैकुंठ प्रिय माने भगवान की जो प्रिय जन जो है भगवत भक्त उनकी भी संग प्राप्ति करना अतीब दुर्लभ है, क्योंकि विशेष करके कलयुग है, जीवों की एक तो रुचि है ही नहीं भगवत कथा में भगवत नाम में, स्पिरिचुअल में कोई रुचि नहीं। आप लोग सौभाग्यवान है, ऑल यू आर वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज यू हैव कम। कहां संसार में लोग आते हैं, समय निकालना बहुत कठिन होता है, किसी के कहे तो थोड़ा दो एक आधे घंटा निकाल करके सत्संग करें, कहते हमारे पास समय नहीं है। किंतु आप लोगों ने बहुत भाग्यवान है जब आप लोगों ने अपने जीवन की कुछ समय निकल करके आप आए। गीता में भगवान जो कुछ भी बोलते जा रहे हैं इससे पहले यह भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान के जो है आश्रय करते हैं, ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जब तक हमारी श्रद्धा नहीं हो तब तक हम यहां पर बैठ नहीं सकते, क्योंकि श्रद्धा जो है फेथ यही हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की एक बेसमेंट कहा गया, बेसमेंट फाउंडेशन यही हमारा है। ये फाउंडेशन जो श्रद्धा क्या है, ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और इस शरीर रूपी एक वृक्ष में पेड़ में दो पक्षी जो है विराजमान है, टू बर्ड्स, वो कौन है, एक परमात्मा रूपी पक्षी और दूसरी जीवात्मा रूपी पक्षी जो है ये बैठे हुए। परमात्मा रूपी पक्षी जो है सुपर सोल वो केवल देख रहे हैं, हम इस संसार में जो कुछ भी करते जा रहे हैं अच्छी बुरी जो कुछ भी कर रहे हैं वो केवल
देख रहे हैं साक्षी रूप एवं साक्षी, साक्षी के रूप में बस विराजमान है, देख रहे हैं। और जीवात्मा रूपी जो पक्षी जो बल वो क्या कर रहे हैं, ने अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार सुख और दुख, हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस वो भुगते जा रहे हैं। ये सुख और दुख ही हमारे संसार में चलते जा रहे हैं, उसी भुगते जा रहे हैं। पूर्व जन्म में जैसे जैसे कर्म किया अच्छी और बुरी, वह कर्म फल आप भुगते जा रहे हैं और कुछ नहीं। और फिर नया कर्म भी हम करते जा रहे हैं, एक तो पूर्व जन्म की कर्म, उस कर्म के फल के अनुसार हम सुख और दुख भोग रहे हैं, और दूसरी क्या है, हम नया भी कर्म करते जा रहे हैं, अच्छी बुरी जो करते वो चलते जा रहे हैं। गीता में भगवान इसी कथा को ही कहते जा रहे हैं अर्जुन की, ये तुम शोक किस लिए करते जा रहे हो, जिस गीता के प्रसंग आपने श्रवण किया, ये कौरव और पांडव लोग जो कुरुक्षेत्र रूपी महा रण समुद्र में उपस्थित हुए हैं युद्ध करने के लिए, और अर्जुन दोनों पक्ष की सैनों के देखकर के कुछ शोक प्रकाश करने लगे। तब भगवान कृष्ण अर्जुन के लक्ष्य करके हम लोगों के समझा रहे हैं कि तुम शोक किस लिए कर रहे हो, दुख किस लिए, सभी तो अपने अपने कर्मों के लिए व्यस्त है और कर्म फल भोग रहे हैं, और ये कर्म फल जब तक नहीं भोगे तब तक इस शरीर में रह नहीं पाएगा। ये शरीर पतनशील है, नष्ट हो जाएगा, एक दिन चलना पड़ेगा, फिर दूसरे शरीर में हम चले जाते हैं। इसी प्रकार अनंत शरीर हम चलते जा रहे हैं, एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर, दूसरे शरीर छोड़ करके तीसरे शरीर, इस प्रकार हम चलते जा रहे हैं, अनंत काल चलते 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 जा रहे हैं, इसकी समाप्ति नहीं है। और जिस दिन हमारी कर्म फल की समाप्ति हो जाए और उस दिन इस शरीर छोड़ करके हम भगवान चले जाएंगे, भगवत धाम में चले जाएंगे, तो उसी की कथा को समझा रहे हैं। जीव अपने अपने कर्म के अनुसार फल भोग रहे हैं, उपनिषद में यही बता दे सा चाप स्थिति, जीव अपने अपने कर्म पर भुगते जा रहे हैं, सुख दुख रूपी दोनों फल को चाख रहे हैं। इसकी हम समझे पहले शरीर, और इस शरीर के जो वस्तु अंदर में जो है वो शरीर जिसको कहा जाता है आत्मा कहा जाता है, वो आत्मा क्या है, फिर वो अजर अमर, वो मरता नहीं, ना उसकी मृत्यु है और ना उनकी जन्म है, न जायते न मृयते, न उनके जन्म नहीं है और उनकी मृत्यु भी नहीं है, केवल एक शरीर छोड़कर हम दूसरे शरीर पर छोड़ते जा रहे हैं। उसी आत्म तत्व के बारे में स्वयं भगवान उपदेश दे रहे हैं, किताब आत्मा के बारे में जानो। जब कोई यही आत्मा के बारे में जान लेते हैं तब तो उनके सुख दुख मृत्यु भय ये नहीं रहता। भय की एक ही कारण है, जब हम इस शरीर के ऊपर निर्भर करते हैं, कंप्लीट डिपेंड ऑन दिस बॉडी, शरीर अपेक्षा जो और एक शरीर ही है आत्मा है, उसी के जब जान लेते हैं
तब उनके शरीर कोई भय नहीं रहता। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन के लक्षण के यही आत्मोपदेश देते जा रहे हैं। इसी के उपनिषद में फिर और भी सुंदर रूप में बताया कि जो भजन करते चले श्रद्धा के साथ, क्योंकि मैं जो कुछ बताते जा रहा हूं गीता की जो उपदेश जो है वो उपदेश निर्भर करता है किसके ऊपर, श्रद्धा के ऊपर। श्रद्धा यदि नहीं रहे तो हजार कुछ बोलने से काम नहीं होता है। उपदेश तब उसके दिया जाता है जिस व्यक्ति के ऊपर श्रद्धा हो। हमारी श्रद्धा ही नहीं है उस व्यक्ति के प्रति और उस कथा के प्रति तो उससे कुछ फल नहीं होता है। एक दृष्टांत तो मैं देता हूं, लेकिन एन एग्जाम्पल एक दृष्टांत देता हूं। एक बहुत पंडित था वो, पर ब्राह्मण भी थे, उच्च अपने अभिमान भी रखते थे, बहुत विद्वान थे, सारे शास्त्र ज्ञान अर्जन कर लिया, समस्त प्रकार के जो नियम के भी पालन करते थे, सब तो समझो आदि पालन आदि करते थे, सब कुछ करता था वो, किंतु मन में बहुत अभिमान था फल से, जब मैं सब कुछ जानता हूं, मुझसे अधिक कोई ज्ञानी नहीं है, ये अभिमान उनके हृदय में था। एक दिन नारद ऋषि भ्रमण करते करते उनके स्थान पर आ गए, तो ब्राह्मण नारद ऋषि के कहने लगे, ये आप बताओ आप कहां से पधार रहे हो, कहां से आ रहे हो, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। नारद ऋषि ने कहा मैं वैकुंठ से आ रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, ये बात बताओ ये भगवान मुझे कब अपने धाम में ले चलेंगे। नारद ऋषि बोले मैं काल प्रभु से पूछ करके आऊंगा, उत्तर दूंगा। अच्छा, दूसरे दिन नारद ऋषि पधारे, फिर ब्राह्मण वही प्रश्न करने लगे, आप ये बताओ कि प्रभु ने क्या उत्तर, पहले ये बताओ प्रभु क्या कर रहे थे जब तुम आ रहे थे, प्रभु क्या कर रहे थे। तो नारद ऋषि ने कहा मैं देखा प्रभु जो है स्वयं भगवान एक सुई लेकर के, सुई से मिल और उसके अंदर में एक हाथी का जो है प्रवेश करा रहे, सारे सुई के छेद होते हैं पीछे, उसके हाथी को उससे छोटा सा सुई के छेद से उसे घुसा और फिर निकाल रहे, फिर यही कर्त में देखा। ब्राह्मण कह रहे तुम पागल हो क्या, क्या कोई एक सुई के छेद जो होते हैं छोटा सा पीछे, हाथी इतने बड़ा हाथी कैसे घुस जाए, आप झूठ बोल। पर मैंने जो देखा आपको वही बताया। अच्छा अच्छा ये बताओ प्रभु ने क्या कहा, कब मुझे ले जाए। बोले 100 जन्म के बाद आपको ले जाएंगे। 100 जन्म के बाद, इतने समय तक? अच्छा मेरा विश्वास नहीं है जे आप वैकुंठ से आ रहे हैं और प्रभु ने ऐसे बात की। नारद जी बोले तुम जानो हमें क्या पता है, विश्वास तुम्हारे ऊपर ही। फिर नारद जी उस स्थान को छोड़ करके चले, एक स्थान पर देखा एक मुची, मुची जानते हैं, मुची किसको कहते हैं, सूजमेकार है ना, है कोबला, स्कूल मार्कर है, कोबला जो
जूता आदि जो है सिलाई करते हैं ना आजकल, तो पता नहीं क्या है आज मैसेज में सब होता है। चलो इंडिया में ये काम करते हैं, चमड़ा के काम करते हैं, जिस पर सूर्य निकालते कपड़ा। वो बेचारा बहुत दीनहीन होकर के काम करता था, और जब समय मिल जाता था ठाकुर जी के नाम ग्रहण करता था, यहां तक भी ही जूता सिलाई करते करते बाजीता पॉलिश करते करते प्रभु के नाम करता था। नारद जी के देख करके प्रणाम करके बोले, महात्मा जी आप कहां से पधार रहे हैं? नारद जी बोले, मैं वैकुंठ से आ रहा हूं। ये प्रभु मुझे बताइए, प्रभु मुझे कब वैकुंठ ले जाएंगे? नारद जी बोले, मैं काल बताऊंगा प्रभु से पूछ करके। दूसरे दिन नारद ऋषि वो कोबला सूर्य मेहता के पास आकर के बोले, प्रभु जी ने कहा तुमको जल्दी उठाएंगे। कितने जल्दी? बोले जल्दी शब्द का अर्थ क्या है? वेरी क्विक, जैसा हम करें कहते एक ग्लास पानी ले आओ, कहते ला रहा हूं। एक गुरु शिष्य के बोले, बेटा एक ग्लास पानी ले आओ, कहते गुरुदेव लेकर के आ रहा हूं। गए, 10 मिनट बाद लौट करके आ गए, आकर के कहने लगे, गुरुदेव ये बात बता, एक चीज पूछने में भूल गया। अरे गुरुदेव ये बात बताओ, आप ठंडी पानी पियोगे कि गर्म पानी पियोगे? थोड़ा देर बता दो। गुरुदेव बोले, मेरे तो प्यास लग रहे हैं, जा जो पानी मिल जाए नल का पानी ले। अच्छा, दौड़ करके गए, फिर 10 मिनट बाद लौट करके आ गए, बोले गुरुदेव और एक चीज मैं भूल गया। बोले क्या? गुरुदेव ये आप बताओ, आप बिस्लरी पानी पियोगे कि नल का पानी पियोगे? ये मैं भूल गया। बोले मूर्ख, अरे जा नल का पानी लिया। दौड़ करके गए, फिर 10 मिनट बाद लौट करके आ गए, गुरुदेव ये बात बताइए मैं भूल गया पूछने के लिए, जी गुरुदेव आप कौन सा गिलास में पानी पियो? गिलास है, स्टील का ग्लास चाहिए कि वो प्लास्टिक का ग्लास चाहिए? मूर्ख, अरे जल्दी ले आओ, प्यास लाग रहे। दौड़ करके गए, फिर 10 मिनट बाद लौट करके आगे, गुरुदेव ये बात बताओ, एक चीज मैंने पूछने भूल गया। अच्छा गुरुदेव आप बताओ, वो पानी में टी क्या बोलते हैं, ट्रे में लेकर के आऊं कि हाथ में पकड़ करके ले आऊं, ये बता दीजिए। गुरुदेव बोले, तुझे पानी लड़ के मेरा प्यास चला गया। सेवा ऐसे नहीं, सेवा एक स्वाभाविक धर्म होता है, वो सदैव हृदय से स्वाभाविक रूप में आ जाता है। मैनिफेस्टो फ्रॉम गुड इन अ कोट ऑफ हार्ट, अंतर हृदय से आता है। चलो, जो मैंने कहा था वो मुची जो था सुजमेकर कोबला, बहुत दीनहीन होकर के कहने लगे, ये प्रभु जल्दी मुझे उठाएंगे, जल्दी शब्द तो बताइए कब, कर मैं काल पूछ करके आऊंगा। हे नारद ऋषि दूसरी बार पधारे, तब वो पूछने लगे, ये प्रभु ने यह बताइए नारद जी, ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, भगवान वैकुंठ में क्या कर रहे हैं, क्या करते हुए देखा आपने? तब नारद ऋषि वही बात बताया, ये ठाकुर जी मन भगवान एक सुई लेकर के, और सुई के पीछे जो छेद है एक हाथी को जो है प्रवेश करा रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, फिर घुसा रहे हैं, फिर बाहर। वो कोबला
सूजमेकार मुझे सुनकर के बहुत प्रसन्न हुई, प्रभु प्रभु के तो ऐसे होना ही संभव है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है भगवान उसकी कहा जाता है कुर्तुम अकुर्तुम अनथा कुर्तुम ज समर्थ स भगवान इति वाच्य। संस्कृत में श्लोक में कहा जाता है भगवान किसको कहा जाता है, जो कुर्तुम अकुर्तुम, जो होने वाला वस्तु को बिगड़ दे सकते हैं, जो बिगड़ने वाला वस्तु के वो भी ठीक करा सकते हैं, जो वस्तु संभव नहीं है असंभव के संभव करने वाले, इम्पॉसिबल इज पॉसिबल और पॉसिबल इसी की जो कर सकते हैं उसी भगवान कर सकते हैं। एक सुई की छेद के अंदर में हाथी को प्रवेश करना ये मनुष्य के लिए संभव नहीं है, भगवान ही कर सकते हैं। ये विश्व संसार रचना तैयार करना और उसके बिगड़ देना ये भगवान ही करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं हिंदी में कहा जा कहावत है प्रभु के इच्छा बिना एक पत्ता भी हिलता है। हम भी हाथ उठा भी नहीं सकते, उनकी इच्छा बिना कुछ काम नहीं कर सकते, वो जब तक हमारे हृदय में प्रेरणा नहीं दे हम कुछ नहीं कर सकते। देने वाला तो वही है सब बुद्धि, जो कुछ भी देते हैं ददामी बुद्धि जोगं तम जेनो मांग उपजानती ते, गीतामी भगवान भी कहते हैं हे अर्जुन मैं ही जो है बुद्धि जोग देता हूं, मुझे कैसे प्राप्त कर। उनकी इतनी श्रद्धा, फिर कहने लगे प्रभु आप बताइए प्रभु ने मुझे क्या समाचार दिया, कब मुझे उठाएंगे। तब उससे नारद जी ने कहने लगे देखो मैंने तो जल्दी कहा, प्रभु ने कहा देखो ये इमली का पेड़ देख रहे ना, इमली जानते आप चमड़े, इमली का जो पेड़ देख रहे हैं इस इमली के पेड़ में जितना पत्ता है कितना पत्ता होता है हजारों लाखों करोड़ पत्ता है, एक एक पत्ता झड़ जाना मतलब तुम्हारे एक एक शरीर जीवन चला जाएगा, तब भगवान तुम्हें इस संसार से उठा करके वैकुंठ धाम में ले जाएंगे, प्रभु ने यही कहा है। वो इसी के कहते जल्दी क्या बोला, ये जो इमली का पेड़ देख रहे हैं और इमली के पेड़ में कितना पत्ता है असंख्य, एक एक पत्ता जब गिर जाना मैंने तुम्हारे एक एक जन्म शरीर नष्ट हो जाए, और जब सारे पत्ता झड़ जाएगा माने इतने जन्म के बाद भगवान तुम्हें वैकुंठ में ले जाएंगे। मुझे सुन करके बोबला सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, आनंद में नृत्य करने लगे, और नृत्य करते करते प्रभु के नाम लेते लेते बस मूर्छित हो गया, प्रभु के नाम ले। और इतने समय स्वयं भगवान विष्णु वैकुंठ से अपने वाहन गुरुड़ जी के लेकर के पधारे और उनके गुरुड़ जी के पीठ पर बैठ करके वैकुंठ में ले गए। नारद ऋषि कहने लगे जब वैकुंठ में गए नारद ऋषि कहने लगे प्रभु आपने तो बोला जे उनको इतने जन्म के बाद यानी इमली के एक एक पत्ते झड़ जाने के मतलब इतने हजारों साल के बाद आप ले जाएंगे, आप जल्दी के कैसे ले गए। भगवान कहने लगे देखो इसके हमारे वचन पर विश्वास, यदि किसी पे विश्वास हो जाए तो भगवान उसके जल्दी ही कृपा कर देते हैं, क्योंकि देखो इस संसार में हम जो रह रहे हैं पत्ता जो मैंने बताया एक लिमिट होता है, सीमित है, इतने जन्म के बाद मुझे भगवान ले जाएंगे इसी शब्द को विश्वास किया है। और दूसरी है भगवान कुर्तुम अकुर्तुम अनुथा कुर्तुम जो समर्थ सो भगवान इति वाच्य, इसलिए भगवान उसको बला मुची को जो है भगवत धाम में ले गए, और वो विद्वान पंडित को भगवान कहते तो मूर्ख है, इतने शास्त्र जानते हुए पर भी
जब भगवान में विश्वास नहीं है तो भगवान कहाँ ले जाएंगे। इसलिए गीता की जो हम आलोचना करते हैं, जो कुछ भी हम गीता की कथा श्रवण कर रहे हैं, इसके फाउंडेशन जो है हमारे विश्वास। वो विश्वास क्या है? ये आत्मा के ऊपर, मैं शरीर नहीं हूं, आई एम नॉट दिस बॉडी, हु एम आई, मैं आत्मा हूं। कितने समय तक बोल गुरु तत्व के बारे में, यही आत्मा के बारे में जब हमारा ज्ञान हो जाता है तब तो उसकी कोई डर नहीं रहता है। यही ज्ञान कौन देंगे? इससे हम जो श्रवण कर रहे हैं, गीता की कथा हम श्रवण कर रहे हैं, ये अर्जुन की यदि शिष्य माना लिया जाए, मान लिया जाए, स्वयं भगवान गुरु का, वो सदगुरु ही सत शिष्य के जो है मार्ग दर्शाते हैं, दिखाते हैं। तस्मात गुरु प्रपद्य जिज्ञासु श्रीवत्तम शब्दे पारिच निष्णातम ब्रह्मण उपसमाश्रय। हमारे उपनिषद में कहते जाते हैं तस्मात गुरुम प्रपद्यत, वास्तव रूप में यह तत्व वस्तु के जानने के लिए सदगुरु के निकट आप पधारिए, आइए। तस्मात गुरुम प्रपद्यत जिज्ञास श्रेय उत्तम, श्रेय वस्तु के जानने के लिए, श्रेय वस्तु क्या है? आत्म तत्व जानने के लिए। मैं यहां पे थोड़ा ही यहीं पर क्लियर करता हूं, इस संसार में दो वस्तु है, आप लोग सब भी विद्वान है, पढ़ते भी है, जानते भी है, बहुत शास्त्र भी आलोचना कर चुके हैं। ये दो वस्तु होता है इस संसार में, एक श्रेय वस्तु होता है और एक प्रिय वस्तु होता है। श्रेय प्रियश्च, श्रेय शब्द की अर्थ होता है श्रेष्ठ माना जाता है, और प्रिय शब्द के अर्थ होता है जो हमें अच्छा लगता है, उसे कहते हैं प्रिय कहा जाता है। संस्कृत में दो शब्द हमारे व्यवहार किया, एक होता है श्रेय वस्तु और एक होता है प्रिय वस्तु। प्रिय वस्तु क्या है इस संसार में? सबसे प्रिय क्या है आपका? सबसे आपको प्रीति, सबसे प्रेमन प्रीति, प्रेम किससे रखते हैं आप? यू लव टू होम, आप प्रेम करते हो, किससे आप अधिक प्रेम करते हो? अपने बच्चों से, माता से, पिता से, है? नहीं, मैं बता देता हूं, वो जो करते हो ना, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रिय है क्या? अपने शरीर से, ये मैं बताता हूं, है? सबसे प्रिय है। समय अधिक नहीं है, इसको भी विचार करके देखें, हमें सबसे प्रिय लगता है हमारे शरीर, अच्छा शरीर के ऊपर, ये शरीर को हम जानते हैं और इस शरीर के साथ संबंध होने के नाते उसके हम प्रति करते हैं। जैसे आप करते हैं अपने बच्चों के प्रति करते हैं, क्यों बच्चों के प्रति करते हैं? ना शरीर के साथ संबंध होने के नाते। मेरे कहने की तात्पर्य यह है, हमारे शास्त्र भी कहते हैं शरीर और शरीर के साथ संबंध होने के नाते हम दूसरे साथ प्रीति करते हैं। शरीर के साथ हमारा कितना संबंध है, अर्थात शरीर ही हमारे अत्यंत प्रिय है, प्रिय कहा जाता है इसको, इसलिए कहा जाता है संस्कृत में, कहा जाता है प्रिय कहा जाता है। किंतु ये शरीर नाशवान है, जैसे मैंने आप पहले कह चुका हूं, गीता में भगवान कहा दिया, और श्रेय वस्तु श्रेष्ठ वस्तु क्या है? ना भगवत तत्व, आत्म तत्व, भगवत तत्व, परमात्मा तत्व। उसी श्रेष्ठ वस्तु के जानने के लिए सद्गुरु के पास आना चाहिए। इसलिए कहते हैं तस्मात गुरुम प्रपद्यत, तस्मात शब्द के अर्थ होता है वह वस्तु जानने के लिए, तत्शब्द से तस्मात शब्द निकले हुए हैं, तत्शब्द, तत्शब्द वह वस्तु के जाने के लिए, उसे क्या है?
आत्म वस्तु जाने के लिए, परमात्मा वस्तु के जाने के लिए, अर्थात आत्म कल्याण के जाने के लिए क्या करना चाहिए? तस्मात् प्रत्येक जिज्ञासु श्रेयोत्तमम्, श्रेय वस्तु जानी वही भगवत तत्व व आत्म तत्व जाने के लिए किसके पास जाना चाहिए? सद्गुरु के पास जाना चाहिए। शब्दे पारिच निष्णातम, वो सद्गुरु के लक्षण भी यहीं पर भी कह दिया। जैसे तैसे व्यक्ति के पास जाने से आपके फायदा नहीं होगा। डॉक्टर के पास जाना है किंतु डॉक्टर भी अच्छे होने चाहिए। कुछ गांव में कुछ डॉक्टर होते हैं ना, वो जो उसके सर्टिफिकेट नहीं है, ना कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ा, ना कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे देख करके बस इंटरनेट में देख करके डॉक्टर बन गया। उस डॉक्टर के पास काम नहीं होता है। डॉक्टर के पास जाओ अच्छी अनुभव से जाओ डॉक्टर। ठीक उसी प्रकार इसमें कहते तस्मात् गुरु प्रदे प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेयोत्तमम्, श्रेय वस्तु यानी आत्म वस्तु भगवत वस्तु जानने के लिए वह गुरु के निकट जाओ। तो उसके लक्षण क्या है? बट द सिम्टम शब्दे परिचय निष्णातम, इसी श्लोक में कह रहे हैं संस्कृत श्लोक में, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म में जिनकी अनुभूति है इसके बारे में कहते जा रहे हैं। शब्द ब्रह्म यानी शास्त्र ज्ञान, जिसमें वो पहली करें शास्त्र ज्ञान, जिसे शास्त्र ज्ञान ही नहीं है वो हमारा यथाथ उत्तर दे नहीं पाएंगे, हमारे रोग के जो है वो ठीक कर नहीं पाएंगे। इसलिए शास्त्र ज्ञान संपन्न, वी हैव नॉलेज अबाउट द स्क्रिप्चर्स, शास्त्र ज्ञानी के पास। दूसरी क्या है? अनुभव से, जिसकी अनुभूति है, रियलाइजेशन है, वो किस परंपरा से आए हैं, गुरु परंपरा। यू हैव टू नो अबाउट हिज डिसिप्लिन सक्सेशन, उसी गुरु परंपरा क्या है, कहां से आए, उसके बैकग्राउंड क्या है। जहां तहां डॉक्टर से दवाई लेने से आपके काम नहीं होगा, हो सकता है आपके रोग और भी बढ़ जाए। उल्टी सीधी दवाई यदि ले लिया बिना डॉक्टर से पूछे, हो सकता है वो क्या होगा, रोग बढ़ जाएगा। विशेष करके इंग्लैंड अमेरिका में मैं भी देखता हूं, डॉक्टर जल्दी दवाई देता ही नहीं है, यहां तक भी वो क्या बोले फार्मेसी में है, वो जब तक डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं हो तो दवाई भी नहीं देंगे। इंडिया में देखते हैं तो कहते हैं हमारे सिर में दर्द है, दवा दे दे, तो दे दी, कोई भी हमारे पेट में कुछ हो गया दे दे। किंतु इंग्लैंड अमेरिका में मैं कहा जब 20-22 साल घूम रहा हूँ, पहले डॉक्टर से जाना पड़ेगा। मुझे पता नहीं आपके सुरीनाम के इधर कैसे परमेश में जा देते कि नहीं देते, इंग्लैंड में तो बिल्कुल नहीं देंगे। देखो इंग्लैंड के रहने वाली कुछ नहीं देता है, नहीं देंगे। इंडिया में कोई भी डॉक्टर कोई भी फार्मेसी में चले जाइए, आप कुछ बोले आपके साथ ही साथ बस दवाई दे देंगे। मेरे कहने की तात्पर्य यह है वह गुरु के निकट जाए जिस गुरु में ये तीन लक्षण दिखाई पड़े, थ्री सिम्टम्स, क्या शास्त्र ज्ञानी होने चाहिए। तस्मात् गुरु प्रति जिज्ञासा शब्दे पारचनिष्ठ, शास्त्र में ज्ञान होनी चाहिए, और दूसरी उसकी अनुभूति, और तीसरी समस्त प्रकार विषय से अनासक्त। अनासक्त समझते डिटैच फ्रॉम द मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये तीनों वस्तु तीनों लक्षण यदि दिखाई पड़े तो कहते उसे सद्गुरु माना जाता है।
और उनकी भी केवल यही नहीं है, उनकी परंपरा, गुरु की परंपरा के ऊपर भी निर्भर करता है। परंपरा दैट इज कॉल्ड द डिसिप्लिन। कहां से किस धारा में आ रहे हैं, उनके गुरु कौन है, उनके परम गुरु कौन है, उसके परात्पर गुरु कौन है, उनकी गुरु की धारा कौन है, उसे भी देखना पड़ता है। क्योंकि जो हम हाथ पकड़ करके ले जाएंगे भगवत धाम में ले जाएंगे, गुरु के कार्य क्या है, शिष्य का हाथ पकड़ करके साक्षात भगवत धाम में ले जाना, तो वह व्यक्ति किस प्रकार है। नाव में बैठ जाने से नहीं होगा, देखना पड़ेगा नाव चलाने वाले कौन है, बोर्डमैन है। यदि बोर्डमैन ठीक नहीं हो, समझ में आ रहे, और आधी रास्ता में जाकर के बीच नदी में जाकर के क्या हो जाएगा और बोट डूब जाएगा। इसलिए गुरुदेव की कहा जाता है, बोटमैन कहा जाता है, जो मेरे एक जीवन रूपी नाव के जो है लेकर के चलते हैं और भगवत धाम तक पहुंचा देते हैं। उसी की गुरु के बारे में कहते जा रहे हैं, तस्माद गुरुम प्रपद्यत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम शब्दे पारिच निष्णातम ब्रह्मोपार समास्य। कथा बोलने वाले तो बहुत लोग होते हैं, सुनने वाले तो बहुत होते हैं, किंतु वास्तव जीवन में आचरण करने वाले व्यक्ति के अभाव है। मैं यही बताते जा रहा हूं, इस संसार में आचरणशील व्यक्ति के निकट ही जाना चाहिए, माने जो स्वयं भजन करता है और दूसरे के भजन में सहायता करते हैं, उसी गुरु के पास जाना चाहिए। और उनके लक्षण भी, और भी अनेकों लक्षण सिम्टम्स श्रीमद् भागवत गीता आदि में भी कहा दिया, गीता में तो भगवान पहले शिष्य के लक्षण भी कहा दिया। फिर जैसे पहले क्या बोला, ये उसी, ये गुरु के निकट हम कैसे जाए, तद्विद्धि प्रणिपात परिप्रश्न सेवया। तद्विद्धि, तद्विद्धि शब्द वह वस्तु जानने के लिए क्या करो, तीन लक्षण यहां पर बता रहे हैं। तद्विद्धि प्रणिपात, पहले जाकर के उनको प्रणाम करो, है तद्विद्धि प्रणिपात। परिप्रश्न, आपके हृदय में कोई शंका हो, डाउट है, उससे पूछो। और तीसरी क्या है, सेवा वृत्ति, सर्विचुअल मोड। ये तीन वस्तु होना चाहिए, तब वो तत्वदर्शी पुरुष हु हैज नॉलेज अबाउट लॉर्ड, हु हैज रियलाइजेशन अबाउट लॉर्ड, तब आप उनको बताएंगे, नहीं तो वो आपको बताएंगे। इसलिए गुरु तत्व गुरु के साथ ही साथ शिष्य के तत्व भी हमें समझना चाहिए। इसलिए कहा जाता है सद्गुरु और सत शिष्य की ये लक्षण बताते जा रहे हैं। सद्गुरु के लक्षण जिस प्रकार हम शास्त्र में देखते हैं, उसी प्रकार सत शिष्य की भी लक्षण बताते जा रहे हैं। शिष्य उसके कहा जाता है संस्कृत में सास धास धातु से शिष्य शब्द उत्पन्न हुए। सास धातु के शब्द होता है शासन के जो मान लेते हैं, शिष्यास्ते अहं साधि तां मां प्रपन्न। अर्जुन कह रहे हैं, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शिष्य हूं। शिष्य क्या है, जो गुरु के आदेश को मान लेते हैं, विचार को जो मान लेते हैं, गुरु के शासन के जो है चेस्टाइजमेंट को वो क्या कर लेते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं, या आप जो कहोगे मैं इसलिए कर रहे हैं। तस्मात गुरुं प्रपद्यत, वह गुरु के निकट प्रपन्न हो। और गीता में भगवान अर्जुन के लक्ष्य करके भी यह भी शिक्षा दे रहे हैं, ये किस प्रकार
हम गुरु के चरण में जाकर के अपने को समर्पित करें। जब तक हम गुरु के चरण में जाकर अपने को जो समर्पित नहीं करें, समर्पण नहीं करें, जिसे कहा जाता है सरेंडर, शरणागति। शरणागति शब्द नाम सुना आप लोग? सरेंडर जो कहा जाता है, जे मैं आपके पूरा शरण में आ गया। यही जब हम गुरु के चरण में जाकर के अपने को समर्पित कर देते हैं, जिसे कहा जाता है आत्म समर्पण, कंप्लीटली ऑफर माई सेल्फ लीडरशिप ऑफ गुरुदेव, तब वह गुरुदेव हमें सत उपदेश प्रदान करेंगे। इसलिए सदगुरु सत शिष्य के ही लक्षण बताते जा रहे हैं, धीरे आगे जाकर के धीरे धीरे हम परमार्थ राज्य में कैसे प्रवेश करें, यही गीता की आगे कथा में सुनाते जा रहे हैं। हे अर्जुन, तुम इस कथा को आगे सुनो। इसलिए आज यहां तक मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, कि आप लोग बहुत समय तक बैठे हुए हैं, बहुत समय तक आप लोग श्रवण कर चुके हैं, इसलिए आप लोग की इस समय में अधिक लेना नहीं चाहता हूँ। इस समय आप लोग के निकट क्षमा प्रार्थना करता हूँ, इसमें हमारी कोई त्रुटि हो गया और आप लोग की कोई समझ में यदि कोई कम हो गया तो आप पास संशय हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, जो मेरे ये समझ में नहीं आया इस विषय को, तो मैं आप लोग के मेरा यही प्रार्थना मंशा वृंद पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। थैंक यू। Vaak is het zo dat we alleen cellen geven en pas na maanden komt er een zaadhoer in Nederland om nog net zo'n verdiening te geven, die we eigenlijk allebei nemen. Dus het is een zegen en daarom ben ik blij en ik hoop ook dat jullie de komende dagen voor de waardering zullen tonen om hier aanwezig te zijn en verder te reizen en kijken stuk voor stuk op alle onderwerpen. Vandaag hebben we Jyotatwa geleerd en Gurutatwa, hoe belangrijk het is en de Guru die heeft accent gegeven op wat Shraddha, vertrouwen, hoe belangrijk het is. Daarom wil ik deze dagen om vandaag met een mooie kirtan af te sluiten en de naam van de Baal. चरणों से लगाने मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगाने मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगाने मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगाने मेरे श्याम मुरली वाले।
Thank you.
Shailendra Madari ji, hartelijk applaus voor onze Kirtanias vandaag. En hiermee is deze prachtige avond tot het einde gekomen. We hopen dat jullie je geïnspireerd voelen door allereerst de woorden van Vijay. Het begin van het seminar heel toegankelijk op in het Nederlands verteld. En vervolgens de verdieping door Guruji, die nog meer kennis en nog meer spirituele kennis aan jullie schenkt op deze manier. Ik hoop dat iedereen het heeft kunnen volgen. Heeft iedereen kunnen volgen? Ja? Heel goed. En zo proberen we om die kennis, die spirituele kennis, die eigenlijk heel ver weg van ons staat, voor ons toegankelijk te maken. En het doel nogmaals is, als één ziel hier weggaat en zich geïnspireerd voelt, dan is onze missie volbracht. Dank jullie wel, wel thuis en tot morgen.